तो गाइस फाइनली इस साल माइक्रोमैक्स की वापसी हो चुकी है। अब यार भले ही ये साल आरसीबी और सीएसकी के लिए कुछ खास नहीं रहा होगा, लेकिन माइक्रोमैक्स के लिए ये साल बहुत तगड़ा होने वाला। नमस्ते भाइयों, आप देख रहे हैं टेक फ्रिक्शन और माइक्रोमैक्स ने अभी रिसेंटली दो फोन के साथ वापसी करी है। मैं ना यार ये वीडियो लेट ला रहा हूँ, लेट क्या बहुत लेट लेकर आ, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था कि माइक्रोमैक्स के फ़ोन कैसे हैं, क्योंकि जो उनका पास्ट रहा है ना उसको ध्यान में रखते हुए जो अब उनके फ़ोन लॉन्च हुए हैं उस बारे में काफ़ी कुछ हाइप बन रही है, काफ़ी कुछ उनके बारे में पॉजिटिव व्यूज़ आ रहे हैं, नेगेटिव व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपको वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज बात करते हैं माइक्रोमैक्स ने अपने दो फ़ोन लॉन्च किए हैं, एक है माइक्रोमैक्स IN1B और एक है IN1 Note। जो 1B है वो थोड़ा सस्ता है और 1 Note वो थोड़ा सा महंगा है, मतलब है सस्ता ही पर उसके मुकाबले में महंगा है। लेकिन जो ये हाइप बन रही है ना आओ चीनी कम करे वाली टैगलाइन से, इससे बहुत ज़्यादा आग लग रही है Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, ये सब जितने भी चाइनीज़ ब्रांड के फ़ोन हैं उनके बीच में आग लग रही है, क्योंकि माइक्रोमैक्स सारा कुछ जो फ़ोन लेकर आ रहा है, जो सारा कुछ माल मसाला लेकर आ रहा है वो मेड इन इंडिया का ला रहा है, क्योंकि माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है। और जब ये Xiaomi, Realme वगैरह फ़ोन आए थे 2015-14 में, तो तब माइक्रोमैक्स की वाट लग गई थी, लंका लग गई थी, जो भी बोलो माइक्रोमैक्स की तब किस्मत ख़राब हो गई थी और फिर कंपनी ही बंद। लेकिन अब बहुत टाइम के बाद चीनी कम करी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि माइक्रोमैक्स फ़ोन की कंपनी नहीं, कोई राशन की दुकान खोल रखी है और चीनी कम करते हैं। लेकिन जो भी है एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लेकर आ रहा है माइक्रोमैक्स। चलो बहुत हुआ, मेन मुद्दे पर आते हैं, लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। तो आओ चीनी कम करें ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि माइक्रोमैक्स के फ़ोन में जो भी माल मसाला लग रहा है वो चाइना की चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी जा रही। आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, जो माइक्रोमैक्स है ना उसने पार्टनरशिप करी थी हुआवे के साथ, तब भी आपने देखा होगा जो माइक्रोमैक्स के फ़ोन की लुक है वो हुआवे हॉनर जैसी सेम लगती है, जो अभी उनका फ़ोन आया जैसा एक्स का साइन है वो माइक्रोमैक्स में भी सेम है और हॉनर में भी सेम है। इसका मतलब ये है कि दोनों की पार्टनरशिप के साथ फ़ोन आ, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट सारे ही फ़ोन एक सिमिलर लुक के साथ लॉन्च हो रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं ऐसी खास। अब बात करते हैं माइक्रोमैक्स 1B की, जो मिलने वाला है आपको 6999 में, लेकिन इसमें आप 6.5 इंच की HD स्क्रीन, 5000 mAh की बैटरी विद 10 वॉट का चार्जर, 13+2 का रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल, मीडियाटेक G35 और सबसे इंपॉर्टेंट बात टाइप सी। गाइस 6999, 7000 का समझ लो, 1 रुपए की टॉफी खा लेना, इतने में यार आपको टाइप सी मिल रहा है। और उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिल, और यार टाइप सी और स्टॉक एंड्रॉयड आप 10,000 में तो छोड़ दो, 15,000 से 20,000 में भी आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड आपको सिर्फ मोटरोला का फ़ोन दे रहा है जो 15,000 का है या 20,000 का है, या फिर गूगल पिक्सल दे रहा है जो 30,000 से ऊपर का फ़ोन है, और आपको 7,000 में टाइप सी मिल रहा है विद स्टॉक एंड्रॉयड, जिसमें ना कोई कचरा है, ना कोई चाइना की ऐप्स है, ना कोई प्री लोडेड ऐप्स होगी, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एंड्रॉयड जो माइक्रोमैक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। दूसरे फ़ोन की बात करते हैं IN1 Note, इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD स्क्रीन मिल रही है, क्वाड कैमरा मिल रहा है जो भी 64 मेगापिक्सल का सेटअप होता है, 5000 mAh की बैटरी मिल रही है विद 18 वॉट का फास्ट चार्जर और टाइप सी, और इसमें भी आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिल रहा है, लेकिन इसकी प्राइसिंग जो है वो है 10,999 रुपये, 1 रुपये की टॉफी खा लेना तो 11,000 हो। मेन बात करते हैं कि ये जो फ़ोन लॉन्च हुए हैं माइक्रोमैक्स के, एक तो 5-6 साल से कंपनी ठप थी, उसके बाद जी ये दो ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करती है जिससे पूरी मार्केट हिल जाती है, Xiaomi और Realme डेनिस ब्रांड के फ़ोन आते हैं, उससे सारी मार्केट हिल जाती है, तो वहाँ पे माइक्रोमैक्स बहुत बड़ा स्टेप लेकर आगे चला जाता है कि हाँ इसमें स्टॉक एंड्रॉयड मिल रहा है, टाइप सी मिल रहा है, इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। जो बोलते हैं कि आफ्टर सेल वैल्यू कैसी रहती है किसी कंपनी की, कि हमने फ़ोन ले लिया उसके बाद इसकी अपडेट्स का क्या हाल है, इसमें कोई दिक्कत आ गई, सर्विस सेंटर का क्या हाल है, तो सर्विस सेंटर के बारे में भी इस कंपनी ने क्लियर बोल दिया कि हाँ इंप्रूवमेंट करी गई है और 2 साल तक इनको अपडेट्स मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यूज़र एक्सपीरियंस मेन मैटर करता है कि यूज़र एक्सपीरियंस बाद में कैसा रहेगा, जब आप फ़ोन ले लोगे उसके 1-1.5 महीने बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ कुछ एक चीज़ें इसमें डाउनग्रेड भी कही है, क्योंकि इसमें आपको नहीं बताया गया कि मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है, क्या है, आई थिंक प्लास्टिक ही मिलेगा, लेकिन स्क्रीन प्रोटेक्टर क्या मिला हुआ है इसमें, गोरिल्ला ग्लास है कि क्या है, वो मेंशन नहीं किया हुआ है। और जब कैमरा आपको स्पेशली इतने कम बजट में मिलता है तो उसमें थोड़ी बहुत कटौती की होती है, अब पता नहीं कैमरा इसका कैसा होगा, लेकिन ठीक है 10,000 में 7,000 में आपको इतना तगड़ा पैकेज मिल रहा है तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पैकेज होने वाला है। तो अब देखते हैं जब फ़ोन लॉन्च होएगा, 26 नवंबर को लॉन्च होने वाला है, हमारे पास भी आएगा, काश आ जाता, कोई बात नहीं, जब आएगा तो देखेंगे और आपको बताएंगे, ओपिनियन दूंगा, रिव्यू दूंगा जो भी होगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आपसे नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।